बिहार में शराबबंदी के पूर्ण रूप से लागू होने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए धर्मगुरु अभी एक मंच पर आए हैं। बता दें कि आज अनुग्रह नारायण संस्थान में धार्मिक जन मोर्चा के द्वारा विचार गोष्ठी की गई, जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं ने आज नशा मुक्त बिहार के लिए अपने विचार दिए। निकल करके आया है या अभी चल रहा है कि शराब जो है ये हर समाज के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसकी रोकथाम के लिए हर स्तर पर कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए। सरकारें जो है पाबंदियां लगाती हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन जो है धार्मिक ज़मीन है, धर्म जन्मभूमि है बहुत सारे धर्मों का, धार्मिक लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसका असर जो है समाज में इंसानों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बल्कि वो बहुत सारे बातें तो ऐसी होती हैं जिसको लोग पॉलिटिकल समझ करके उसको वो कर देते हैं, लेकिन धार्मिक लोग कहते हैं तो उसके बहुत सारे असरात पड़ते हैं हर मामले में। और ये जो जन धार्मिक मोर्चा का आप बैनर देख रहे हैं, ये तो गोया सिर्फ शराब नहीं, सिर्फ जुआ ही नहीं, बल्कि समाज की जो कॉमन बुराइयां हैं, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध हर धर्म के लोग आए हुए हैं, तो हर धर्म की जो कॉमन बुराइयाँ हैं वो सब लोग मिल करके इसको ख़त्म करने का संकल्प लेने के लिए या उसके प्रयास करने के लिए ये मोर्चा। धर्मगुरुओं ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कर मुख्यमंत्री ने सार्थक पहल की है और जरूरत है कि लोगों को जागरूक करने की, जिसके बाद भी बिहार में कुछ बदलाव हो सकता है। इस खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।